कुरुर घर के काली उपासिका, वो उपासिका जब धम्म देशना सुनने के लिए ऐसे बैठी थी अपने गांव में, पूरे लोग धम्म देशना सुनने के लिए बैठे थे। जब पंत धम्म देशना सुना रहा था, अभी वो उपासिका वो गांव के बहुत बड़े तनाते पैसे वाले, जब चोरों को पता चला कि काली उपासिका अपने घर के सारे लोगों के साथ धम्म देशना सुनने के लिए गए हैं, घर में केवल एक ही है, तो 500 चोर मिलके चारों ओर से घेराबंदी लगा के घर को एक जगह से सुरंग बना के घर में पहुंच गए। और जो चोर के नायक है वो धम्म देशना सुनने की एक जगह पे आके देखने लगे, अगर कहीं से ये काली उपासिका उठ के आए तो वहीं रोकूंगा। जब घर में चोर घुस गए, घर में देखने वाला दौड़ के वो उपासिका मालकिन को सुनाने जाते हैं, मालकिन मालकिन घर पे चोर घुस के आए हैं, जल्दी चलो। काली उपासिका बोलते है, अरे थोड़ी देर बाद आओ, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। उसको लगा अरे मालकिन को ही कुछ लेना देना नहीं है तो मुझे क्या, चलो जाता हूँ। गया वो घर में, घर में चोर लोगों ने जो अच्छे अच्छे सामान है सारा बटोर के, जहाँ पैसा रखा है वो भी फोड़ने लगा, बक्सा फोड़ने लगा, सेफ फोड़ने लगा। तो ये देख के फिर उससे रहा न गया, फिर दौड़ के भागे भागे मालकिन को बोलने लगे, मालकिन मालकिन अब तो बर्बादी हो गया, सारा पैसा भी चुराने लगे हैं, सारा पैसे भी बटोरने लगे, जल्दी चलिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। उपासिका बोलते है, अरे मैंने कहा ना मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाद में बोलो, जाओ। फिर उसको लगा अरे मालकिन को ही कुछ लेना देना नहीं है, जाओ जा, जाने दो। वो गया वापस, फिर वहां गया तो घर में देखा कि वो पैसे के साथ अभी जो जो सोने चांदी जितने भी महंगे महंगे सामान रखे थे वो भी, वो जो कमरा है उसको भी तोड़ के वो भी चुराने लगे। तो ये देख के अब भी नहीं रोका तो मालकिन तो बर्बाद हो जाएंगे, चलो बोलने जाता हूँ करके भागे भागे मालकिन के पास गए और बोलने लगे, अब भी आप नहीं गए तो बर्बाद हो जाएंगे, सारे हीरे सारे सोने चांदी सब चुरा के लेके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बोलो जल्दी चलिए जल्दी। काली उपासिका बोलती है, अरे कब से कहा तुम्हें कि मैं धम्म देशना सुन रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, चाहे जो भी चुराए चाहे जैसा भी करे मगर अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। चुराते हैं तो चुराने दो, वही श्रद्धा से धम्म देशना सुनती रही। इतना गौरव, इतने श्रद्धा से इतने गौरव से वो धम्म देशना सुन रही थी। और जो अच्छा करता है ना, तम्मो हवे रखति ते धम्मचारी, जो अच्छे से धम्म करते हैं धम्म उसकी रक्षा करते हैं, जो अच्छा करते हैं अच्छा चाहते हैं उन लोगों को अच्छा ही होता है। वहां भी जो चोर के सरदार वहां देख के बैठे थे, सब बातें सुन रहे थे, अगर वहां से
मार्किन उठ के आए तो रास्ते में ही इसको काट देंगे, मार देंगे, ऐसा सोच के वहां बैठे थे। मगर वो काली उपासिका की श्रद्धा, गौरव और धर्मदेशना सुनने की इतनी इच्छा, ये देख के उसके मन परिवर्तन हो गया और वो जाके सारे अपने साथियों को साथ जितने भी चोरी किया जहाँ पे वहीं रखने लगाए और वहां आके माफी मांगने आए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम धम्म देशना सुनते हैं उसको श्रद्धा से, उसको गौरव से सुनना चाहिए। श्रद्धा से सुनेंगे, गौरव से सुनेंगे, तब हम वो धम्म देशना सुन भी पाएंगे, ग्रहण भी कर पाएंगे और जीवन में उसको अच्छे से लागू करके जीवन भी अच्छा बना पाएंगे।